जरा बैंक में कहीं कैश या चेक डिपॉजिट करने चाहे हो तो किस तरह से आपको ये फिलअप करना है ताकि आप जो डिपॉजिट कर रहे हो कैश या चेक वो आपके सही अकाउंट में जमा हो और आपको उसका बेनिफिट मिल सके। अब मान लो कि हमारे पास ये चेक है तो हमें चेक में जो डिटेल है वो हमें इस स्लिप में भरने हैं और एज अ प्रूफ हमें जब ये स्लिप करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये हमें रखना होता है और ये जो बिगर साइज पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड वाला वो हमें कहाँ देना है बैंक में जमा करना है। अब यहाँ पर कौन कौन सी डिटेल्स आती हैं, सबसे पहले है डेट। सो द डेट शुड बी द करेक्ट डेट व्हेन यू आर डिपॉजिटिंग, व्हिच डेट यू हैव कम टू द बैंक टू डिपॉजिट, आप बैंक में जिस दिन गए हो डिपॉजिट करने वो डेट आपको फिलअप करनी होगी। मैं यहाँ पर सब कॉलम्स बने हुए हैं वहाँ पर लिखा भी हुआ है। फिर उसके बाद है ब्रांच, तो मान लो कि आपका जो ये चेक है वो किस बैंक में जमा करना है तो यहाँ पर है आपका अकाउंट जिस बैंक में है वहाँ पर नाम आपको लिखना है। मान लो कि ये जो चेक है ये BOI का है लेकिन आपका अकाउंट सेंट्रल बैंक में है तो आपको यहाँ पर कौन सा ब्रांच लिखना है सेंट्रल बैंक, क्योंकि वो आपके अकाउंट में जमा होने वाला है। ये जिसने दिया है चेक उसका अकाउंट इस बैंक में है इसलिए उसने ये चेक नंबर दिया, लेकिन आपका अकाउंट किस बैंक में है वहाँ का नाम आपको लिखना है। राइट, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे आपका अकाउंट जिस बैंक में है वहाँ का आप डिटेल भरेंगे। अब ब्रांच, तो कौन सा ब्रांच, सेंट्रल बैंक दो तीन हो सकते हैं है ना, एक बिरला रोड में है एक राजमहल रोड में है, तो आपका अकाउंट किस ब्रांच में है वो आपको स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पर ब्रांच में आप क्या लिखेंगे राजमहल रोड। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है यू आर डिपॉजिटिंग चेक और कैश, यहाँ पे लिखा है चेक का शॉर्ट फॉर्म लिखा है और कैश लिखा है। तो सपोज यू आर डिपॉजिटिंग कैश तो आप कैश के ऊपर टिक करेंगे और अगर आपको चेक डिपॉजिट करना है तो आप चेक पर टिक करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास ये चेक है तो हम लोग चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, तो पहले मैं आप लोगों को चेक का डिटेल कैसे भरना है वो सिखा देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग कैश भी किस तरह से भरना है वो सीखेंगे। Now you have to fill up the account number. तो आपका जो account number है आपके bank में जब आप एक account खोलते हैं तो आपको एक digit दिया जाता है। So all those 12 or 16 digit you have to fill up over here. ठीक है? तो अब वो account किसके नाम से? So if the name of the person जिसके नाम का ये account है वो पूरा नाम जिस तरह से आपकी बैंक अकाउंट बुक में लिखा गया है आपकी सेविंग बुक में जो नाम लिखा गया है वैसे ही आपको भरना है, आप उसमें अलग नाम नहीं कर सकते, यू हैव टू फिल अप योर फुल नेम। अब यहाँ पर इन वर्ड्स, तो आपके पास जो ये चेक है वो कितने रुपीज़ का है, यहाँ पर लिखा है 50,000, तो यहाँ पर आपको इन वर्ड्स लिखना है, तो वर्ड्स मतलब स्पेलिंग, तो उसका स्पेलिंग लिखना है। फिर राइट इन नंबर्स, तो वहाँ पर आपको नंबर्स मिल गया कितने नंबर्स, तो 50,000। ओके, देन यू हैव टू साइन, और अब इस तरफ जो है यहाँ पर भी उसी तरह से आपको अपना जो डिटेल आपने इस तरह भरा है वही सेम डिटेल आपको यहाँ पर भी भरना है। अब यहाँ पर साइड में कॉइन्स ये जो लिस्ट दी गई है 2000 × 100 × 50 ×, तो वो क्या चीज़ है काउंटिंग योर मनी इन कॉइन्स, तो कॉइन्स का मतलब ये नहीं कि कॉइन लेकर जाना है, लेकिन आप जब पैसे जमा कर रहे हो कैश में तब वहाँ पर आपके पास 2000 के नोट भी हैं, 1000 के नोट हैं, 500 के नोट हैं, 200 के नोट हैं, 10 rupees भी हो सकते हैं, तो वो कितने हैं, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेशन दिए गए हैं उतने आपको काउंट करके लिखने हैं। सपोज 2000 के आपके पास 2 नोट हैं तो यू राइट 2 × 2000 दैट इज 4000, फिर 500 के कितने नोट हैं वो 10 नोट्स है, तो 10 × 500 वो उसका नंबर यहाँ पे लिखना है। इस तरह से जितने भी आपके पास है 10 rupees हो 20 rupees हो वो कितने थे उतने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप फिलअप करोगे और उसका जो टोटल है वो इस तरह आपको लिखना है। और फिर टोटल अमाउंट, तो जितने भी आपने रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं कैश में उसका जो आपका मल्टीप्लाई जो टोटल है वो फिर एडिशन करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो यू हैव टू राइट बोथ इन नंबर्स एंड इन वर्ड्स, नंबर में इसलिए और वर्ड्स में इसलिए क्योंकि नंबर में जब आप कभी हो सकता है कि 50,000 है या 5 lakhs है तो आप एक जीरो कम भी डाल सकते हो गलती से,
तो एटलीस्ट आपने वर्ड्स में लिखा हो तो वो कंफर्म हो जाता है कि आपने जो ये कॉइन लिस्ट है और आपका जो वर्ड्स में लिखा गया है वो टैली होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करके बैंक में जमा करते हो, फिर बैंक में से वो लोग स्टैम्प करके आपको यहाँ पर स्टैम्प करके आपको ये वाला पार्ट बता देते हैं और ये पार्ट को रखते हैं। और आपके पास मोबाइल में एक मैसेज, आजकल तो सब कुछ डिजिटल में, तो यू विल गेट अ मैसेज दैट यू हैव डिपॉजिटेड दिस मच अमाउंट। और फिर कुछ घंटों में आपके पास एक मैसेज और भी आ जाता है कि योर मनी इज क्रेडिटेड और डेबिटेड। अगर आपने ये चेक अपने अकाउंट में से किसी को दिया है तो वो जब ये फिलअप करके अपने अकाउंट में जमा करेंगे तो आपके पास मैसेज आएगा द मनी इज क्रेडिटेड और डेबिटेड या डेबिटेड। और जब जमा हो जाए तो क्या आएगा, आपके अकाउंट में जमा हुआ है क्या आएगा, क्रेडिटेड, कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट जमा हो गया है। और आपके अकाउंट में से जब आप जमा करते हो कहीं किसी और को चेक दिया है और वहाँ पे जमा करते हो तो वहाँ पर क्या आएगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय रुपीज 50,000। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक चीज ये पूछनी है आप लोगों से कि चेक नंबर कौन सा होता है, क्योंकि ये जो बैंक स्लिप है इसमें हमें चेक नंबर भी पता होता है। तो चेक नंबर कहाँ लिखा होता है, anyone can tell me? पता है? ये जो नीचे है यहाँ पर आपका चेक नंबर लिखा होता है। तो जब हमने रुपीस जमा किए तब हमने यहाँ पर काउंटिंग करके लिखा है ना, जब हमने रुपीस जमा किए तब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने काउंटिंग करके लिखा कि 2,000 × 2, 1,500 × 3, 10 rupees into, लेकिन जब हम चेक जमा कर रहे हैं तो हमें कैसे लिखना है, फिर हम यहाँ पे नहीं लिख सकते ना, ये तब तो वो एक फिगर है, एक अमाउंट है जो हमने इस चेक में फिलअप की है वो हमें जमा करनी है। तो तब हम क्या करेंगे, तब हम वहाँ पर कॉइन्स का डिनोमिनेशन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, चेक का नंबर लिखेंगे कि हमने 50,000 BOI का ये वाला नंबर का चेक यहाँ पर जमा किया है ताकि कोई भी मिसप्लेस ना हो। तो चेक नंबर कहाँ पर है, यहाँ नीचे लिखा होगा, राइट। अगर घर पे आप जाओ और आपके पापा की चेकबुक पापा अलाउ करें तो लेकर एक बार चेक करना कि इसमें ये डिटेल क्या क्या लिखी होती है और किस तरह से हमें भरनी है। अगर ये ऐसा भी होता है कि हम यहाँ पर कभी कभी देखिए कॉर्नर पे दो लाइंस बना दी जाए, वो किस लिए होती है, बैरल चेक होता है इसलिए, because it is a barrel check and barrel check means वहाँ पे नाम नहीं लिखा है, नाम only of the person whom you are paying और amount हमें जो बाकी के details है वो भरवानी है। और वो जो two lines अगर कर ले तो वो account paying हो जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ जिस account का नाम वहाँ लिखा है उसी में जमा होगा और कहीं दूसरे account में हम नहीं जमा कर सकते। अभी इस तरह से अगर नाम ना लिखा हो तो हम हमारे दो तीन account हो सकते हैं, तो हम एक ही नाम के, मान लो कि आपका अकाउंट ICICI बैंक में भी है, HDFC में भी है, सेंट्रल में भी है, तो आप किसी भी अकाउंट में जाकर ये जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे टू लाइंस करके अकाउंट पे ही हो जाए तो जिस अकाउंट का नंबर या डिटेल वहाँ भरी है उसी में आप जमा कर सकते हो, दूसरों में नहीं कर सकते, राइट। बट ये याद रखना है कि जो भी आप भर रहे हैं वो बहुत ही क्लियर टाइटल में होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए और डबल कटिंग्स भी नहीं होनी चाहिए। जब आप चेक अपने चेकबुक में से निकालते हो तब भी वो जो परफोरेटेड डॉटेड परफोरेटेड होता है वहाँ से बहुत ही आराम से निकालना है, सो दैट योर चेक डज नॉट टेयर। आपका चेक अगर फट जाएगा तो भी बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपने इसमें ओवर राइटिंग कर दी है या आपने कुछ लिखा और आपको लगा कि वो ये तो गलत स्पेलिंग हो गया है या फिर डेट गलत लिख दी है, आप इसमें अगर कोई भी तरह की कटिंग करते हो तो भी बैंक को एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर चेक। तो आपने वो किसी भी अमाउंट के लिए, अगर मान लो कि आपने स्कूल या कॉलेज की फीस भरने के लिए चेक किया है तो आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब हम चेक जमा कर रहे हैं, मान लो कि हमने कहीं पर कुछ खरीदा या फिर हमने अपनी कॉलेज की फीस या स्कूल की फीस भरने के लिए चेक जमा किया है, अब आपके अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए, राइट। अगर आपके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है, मान लो कि ये 50,000 या 5,000 का चेक है और आपके अकाउंट में जब ये चेक जमा होगा बैंक में उसके एक दिन 24 आवर्स के अंदर ही
आपके अकाउंट में से वो मनी डेबिट हो जाती है। अब मान लो कि आपके अकाउंट में आप बैलेंस डालना भूल गए और वो 5000 का चेक हमने डाल दिया और वहाँ पर से आपके अकाउंट में सिर्फ 4000 रुपीज दिखे, तो क्या होगा, वो चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। बाउंस का मतलब बॉल की तरह वो बाउंस नहीं होता है, बाउंस का मतलब है कि क्योंकि आपके अकाउंट में वो बैलेंस नहीं था इसलिए अब आपको फाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइन वो आपके उसमें से एक तो आपका चेक रिजेक्ट हो गया, फिर आपने जिसको पे किया था उसे भी, क्योंकि वो चेक जमा करने वाला और जो चेक का होल्डर है दोनों को फाइन पे करना पड़ेगा। सो इट इज अ डबल फाइन। सो टू अवॉइड दैट, व्हेनेवर वी पे द चेक टू समवन, हमें याद रखना है कि हमें जिस चेक का अमाउंट हमने जो लिख कर दिया है वो हमें उतना अमाउंट बैंक में बैलेंस रखना, नहीं तो फिर फाइन आपको भी लगेगा और जिसने वो चेक जमा किया है उसको भी पे करना। सो नेचुरल है कि जिसने आपसे ये चेक लिया है और जमा किया है वो तो डबल टाइम से पे नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, वो अपना फाइन भी आप ही से लेगा और दोनों फाइन यू हैव टू पे। सो इट इज़ बेटर टू अवॉइड कि हमें किसी को भी फाइन ना देना पड़े। हमने जो डेट डालकर दी है वो हमें उस टाइम पर उतना अमाउंट बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम बैंक में से लोन्स भी लेते हैं और जब हम लोन लेते हैं तो बैंक वाले क्या करते हैं, हमसे एडवांस में जितनी हमारी इंस्टॉलमेंट्स के मंथ्स हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट करके वो चेक साइन करके ले लेते हैं एडवांस में। वो आपसे हर महीने मांगने नहीं आते कि आप हमें चेक दीजिए या आपको जाकर जमा नहीं करना होता। बैंक में से आपने लोन लिया है तो एवरी मंथ सपोज 10,000 की इंस्टॉलमेंट भरती है तो आपसे वो उतने ही चेक काउंट करके साइन करवा के एडवांस में ही चेक डालकर ले लेते हैं। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि उस बैंक में उतना अमाउंट आप बैलेंस बना के रखें ताकि एवरी मंथ जब आपका डिडक्ट हो तब आपके अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? नंबर, सो अकाउंट नंबर, थैंक यू। What is the amount? यहाँ पर बैंक कौन सा बैंक? यहाँ पर चेक नंबर कैसे आएगा? So the check number which is written over here on this corner, this will come over there, right? अब हमें ये कहाँ पर चाहिए? सेंट्रल बैंक और राजमहल रोड, क्योंकि जंक स्कूल का अकाउंट जहाँ है आपको वो वाला बैंक कहाँ डालना है। अब ये वाला चेक जहाँ पर है वो हमें यहाँ पे लिखना है। फिर अमाउंट कितना है यहाँ पर? 50,000। अब मान लो कि चेक नहीं है, तो व्हाट यू डू, यू विल पुट अ डैश ओवर, राइट, द लाइन शुड बी देयर एंड देन अब आपको ये अमाउंट यहाँ पर पॉइंट्स में जमा करनी है, तो कितने होंगे? 2000 के आपके पास 5 नोट है, तो 5 into 2000 इज 500 के आपके पास 10 नोट्स है, बाकी रहा हमारे
हमारे पास नहीं है तो नहीं करना है। अब यहाँ पर यहाँ टोटल कितना आएगा? पैसे पैसे कुछ नहीं है इसलिए 0.00 के और आधार कार्ड नंबर भी कम हो और फिर आपका मोबाइल नंबर एंड सिग्नेचर होता है, राइट।